भारतीय मिलिट्री में आजकल थोड़ी चिंता सी नजर आ रही है। भारतीय मिलिट्री पिछले कई सालों से अपने डिफेंस उपकरणों को कई स्तर ऊपर बढ़ाता जा रहा है। इसी सब के चलते हमने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को उनकी सीमा में रखा हुआ है। भारत के मिलिट्री हथियारों में एक सबसे जरूरी उपकरण था ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल। पर गए वो दिन जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय मिलिट्री की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। पर आज के समय में इसे खरीदना बहुत गलत फैसला होगा। इससे आप दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, न ही यह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह मेरी नहीं बल्कि एक शीर्ष अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी की राय है। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यह बयान अब तक का सबसे जरूरी बयान माना जा रहा है और इससे भारतीय मिलिट्री अधिकारी हैरान हैं। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा है कि ब्रह्मोस देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई हकीकत में कोई उपयोग नहीं है, यानी आप इसे सच में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों कहा गया? क्या यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? आइए देखते हैं। इस बयान पर आए कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय विशेषज्ञों का क्या कहना है इस पर। भारतीय विशेषज्ञ और दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान सिर्फ 50% सही है। आइए जानते हैं क्यों। यह बयान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में नहीं है, बल्कि हाल ही में भारत द्वारा फिलीपींस को बेची गई ब्रह्मोस मिसाइलों के बारे में है, जो चीनी नौसेना का मुकाबला करने के लिए दी गई हैं। अमेरिका ने कहा है कि यह सुनने और देखने में अच्छा लगता है कि भारत ने फिलीपींस को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइल दी है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम है और फिलीपींस को इसका कोई असली फायदा नहीं मिलेगा। आपको हम यह बता दें कि अमेरिका का यह बयान बिल्कुल बुनियादी नहीं है। इसके पीछे की कहानी कुछ और है, ये सिर्फ अफवाह नहीं है। तो दोस्तों, विवाद का मुख्य कारण C4ISR तकनीक की कमी है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं C4ISR क्या है। C4ISR का मतलब है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉन्सेंस। अमेरिका का मानना है कि फिलीपींस के पास सही कमांड कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम और जरूरी कंप्यूटर नहीं है जो चीन का मुकाबला कर सके। उन्हें साउथ चाइना सी में चीनी नौसेना की गतिविधियों की जानकारी नहीं है और न ही उनके पास इसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है जो चीनी नौसेना को पहले से ही डिटेक्ट कर सके। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस में C4ISR क्षमताओं की कमी की वजह से फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। आसान शब्दों में अमेरिका का कहना है कि फिलीपींस ने भारत से हाथी तो खरीद लिया है, लेकिन उसे चलाना या उसकी देखभाल करना नहीं जानता, इसलिए उसे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि यह सिर्फ आधा सच है। असल युद्ध के दौरान यह बयान सही साबित होता है, क्योंकि C4ISR के बिना फिलीपींस चीन के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा। भारत को दुनिया की शीर्ष मिलिट्री बनने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम्स को नई तकनीक के अनुसार अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह तथ्य है कि जहां भारत अपने दो खूंखार पड़ोसी देशों के बीच में है, अपनी मिलिट्री हथियार को एडवांस स्तर पर ले जाना एक आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मॉडर्न वॉर्स या कम्युनिकेशन वॉर में दिखावा अक्सर वास्तविक युद्ध क्षमताओं से ज्यादा जरूरी होता है। देश अपनी ताकत के आधार पर शक्ति का आकलन करते हैं और गठबंधन बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जंगल में हाथी पर सवार होकर जाते हैं तो कोई जानवर आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह चीन फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल होने से डरेगा कि अगर चीन द्वारा फिलीपींस को ज्यादा परेशान किया तो फिलीपींस इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत ने ब्रह्मोस फिलीपींस को तुरंत उपयोग के लिए नहीं दी है, बल्कि चीन को डराने के लिए दी है। मॉडर्न वॉर्स ज्यादातर दिखावटी होते हैं। तो दोस्तों, इस विषय के दो पहलू हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत? यह एक ओपन एंडेड प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम मिलते हैं डिफेंस से संबंधित अपनी नेक्स्ट वीडियो में।